नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, वह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने भारतीय संविधान पर कई जो टॉपिक हैं उन पर अपने वीडियो बनाए हैं और मैं वीडियो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उन टॉपिकों का अध्ययन उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करके आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति की। संविधान के अनुच्छेद 63 में साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो जो तालिका है, पदों की जो तालिका है, उसमें उपराष्ट्रपति का स्थान राष्ट्रपति के बाद द्वितीय नंबर पर आता है। संविधान के अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे और राज्यसभा के जैसे ही सभापति का वो पदभार ग्रहण करेंगे उसके पश्चात वो किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वो सारे लाभ, उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार, वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। उस समयावधि में जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त नहीं करेंगे, तब उन्हें उपराष्ट्रपति का उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होगा, तब उन्हें जो राष्ट्रपति के रूप में जो वेतन भत्ते प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त होंगे, वो सारे विशेषाधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन व्यवहार में जब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं, क्योंकि हमने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी वजह से तो अधिकतम 6 माह में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 66 की। इसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं और उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। हम योग्यताओं के बारे में बात करें तो सबसे जो पहली योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरी बात है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों और वो किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए। जब मैंने राष्ट्रपति पर चर्चा की थी तब मैंने वहाँ भी बताया था कि वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और जो संघ और जो राज्यों के जो मंत्री हैं वो लाभ के पद में लाभ के जो पद है उसमें शामिल नहीं होते। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और प्रांतों के जो मंत्री हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए अपने जो वर्तमान जो उनका पद है उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ के पद में शामिल नहीं होते। तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि हम उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी राष्ट्रपति महोदय की भांति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उससे होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हमारे संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे और राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं,
राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि वहाँ पर जो मतदाता है जिसे वोट देने का अधिकार है, उसे उनका जो निर्वाचन है, उनका जो मत है, वो मत मूल्य के आधार पर उनका मत गिना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को संघ का कार्यपालिका प्रधान माना जाता है, और माना जाता है कि वो संघ के साथ साथ सभी प्रांतों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्रपति के बारे में ये नियम निकाला गया है कि जो चुनाव हो उसमें संघ के साथ साथ जो सभी प्रांतों के जो विधानसभाएं हैं उनका जो आनुपातिक अनुपात है वो समान रहना चाहिए। यदि अनुपात समान नहीं होगा, यदि मतों के आधार पर उनका निर्वाचन किया जाए, तो जो प्रांतों की विधानसभाओं के, चूँकि सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मतों के मूल्य के आधार पर ये चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति महोदय का। और वहाँ पर संघ और प्रांतों के जो विधायिका हैं और जो संघ की संसद जो सदस्य हैं उनका अनुपात बराबर रखा जाता है। लेकिन चूँकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो चुनाव है मत मूल्यों के आधार पर नहीं होता। यहाँ पर जो प्रत्येक मतदाता है उसका केवल मत गिना जाता है, मतों के आधार पर ही चुनाव करवाया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक या अनुमोदक वही व्यक्ति हो सकता है जिसे इन चुनावों में वोट देने का अधिकार है। अर्थात उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसमें अनुमोदक या प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य हो। इसके अलावा एक व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है, वो अनुमोदक नहीं हो सकता। अर्थात एक व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है या फिर अनुमोदक। जमानत राशि की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि 15,000 रुपये है। यदि जो उम्मीदवार है वैध मतों का 1/6 भाग है, हिस्सा है, उसको यदि प्राप्त न कर पाए तो उसकी जमानत जो राशि है वो जब्त कर ली जाती है, भारतीय रिजर्व जो बैंक है उसमें जमा उसे करवा दी जाती है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे अनुच्छेद 67 में जिसका प्रावधान है वह है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष है, वहीं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष है। जिस दिन उपराष्ट्रपति महोदय पद ग्रहण करते हैं तब से उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। यदि कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले यदि उपराष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देना होता है। और इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति महोदय संविधान विरोधी कोई कार्य करते हैं तो उनको संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। उनको जो हटाने का जो प्रस्ताव है दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव आएगा। यदि उपराष्ट्रपति महोदय को पद से हटाना है तो उनको हटाने संबंधी संकल्प है, हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा जब अपने साधारण बहुमत से इसे पास करेगी फिर ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा की जब स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके पश्चात उपराष्ट्रपति महोदय को पद से हटा दिया जाएगा। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी उपराष्ट्रपति महोदय यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान विरोधी कार्य करते हैं और उनको यदि हटाने का प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, और दोनों सदनों से यदि वो पास हो जाता है तब जिस दिन वो पास होगा उस दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, उस समय उन्हें छोड़ना होगा। फिर यदि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है लेकिन वो जब तक अपने पद पर कार्य करते हैं तब तक ही नया उपराष्ट्रपति न आ जाए,
उपराष्ट्रपति जी का यदि कार्यकाल पूरा भी हो गया है तब भी वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुनकर न आ जाए। संविधान के अनुच्छेद 68 में ये लिखा हुआ है कि यदि उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त होता है कि मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण या कोई अन्य किसी कारण से पद यदि रिक्त होता है तो नए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो यथाशीघ्र करवा लिया जाए। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है कि यदि राष्ट्रपति महोदय का पद किसी कारण से रिक्त होता है तो अगले नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 6 माह में करा लेना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन के बारे में ऐसी कोई शर्त नहीं जोड़ी गई है, उसमें इतना लिखा हुआ है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन करा लेना चाहिए। 6 माह की शर्त जो राष्ट्रपति के बारे में है उसे उपराष्ट्रपति पद में नहीं डाला गया है। लेकिन जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे वो भी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जो महोदय है वो जो शपथ है वो राष्ट्रपति के सामने लेंगे। राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो कोई व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे। इस प्रकार सामान्यतः जो शपथ है वो उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई भी विवाद होता है तो जो इसका निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उनका फैसला अंतिम होगा। फिर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है जो वर्तमान में 4 लाख रुपए मासिक है, जहां राष्ट्रपति के बारे में बताया था जो उनका वेतन है वो 5 लाख रुपए मासिक है। राष्ट्रपति की भांति जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भार है। इसके अलावा कार्य सामान्य से कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है जिसे मैं बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अपन व्यवहार में देखें तो उपराष्ट्रपति बार बार पुनर्निर्वाचन उनका हो सकता है, बार बार वो चुने जा सकते हैं। व्यवहार में एक बार देखा भी गया है, हामिद अंसारी जी का उदाहरण हमारे सामने भी है। एक अन्य बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हम जब राष्ट्रपति जी को यदि संविधान विरोधी कार्य करते हैं तो उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति महोदय संविधान विरोधी कृत्य करते हैं और उनको यदि हटाया जाना है तो उनको हटाने के लिए कोई महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बातें हैं। अब हम उपराष्ट्रपति की जो शक्तियों की बात करें तो उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उपराष्ट्रपति के रूप में जो शक्तियां हैं उनकी संविधान में कोई विशेष विवेचना नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके दायित्व हैं, उनके कार्य हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के रूप में उनके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या शक्तियां हैं, इनकी विवेचना संविधान में कोई विशेष रूप से नहीं की गई है। राज्यसभा के सभापति के रूप में हम बात करें तो वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा के महासचिव की वो नियुक्ति करते हैं। एक बात और में जो कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है, उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन प्राप्त नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करते हैं और जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब उन्हें राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त होता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम कंपेयर करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति से और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम देखते हैं कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है वहां वो सीनेट का अध्यक्ष है और वहां अमेरिका में सबसे खास बात यह है कि यदि किसी कारण से वहाँ राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 4 वर्ष है और 20 समयावधि में किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है
तो शेष अवधि के लिए जो कार्य है वो वहां के उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। बीस समयावधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जाएगा। ना राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जो चार वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तभी उनका निर्वाचन होगा। तो इस प्रकार अमेरिका में यदि किसी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो शेष अवधि के लिए वहां के उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष है, बीस समयावधि में पद रिक्त होने पर शेष समयावधि के लिए वहां उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होता है, मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण या अन्य किसी विशेष कारण से, तब उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा अगले छह माह में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। इसलिए सामान्यतः किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो व्यवहार में उपराष्ट्रपति महोदय अधिकतम छह माह का ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। तो वर्तमान में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और इस संदर्भ में हमने पूर्व में राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने संविधान के कई जो टॉपिक हैं उन पर मैंने अपने वीडियो डाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको डाल दूंगा, आप उन लिंक पर जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।